गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तुम्हारा चैप्टर चल रहा था मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, तो ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें हमने फिगर बना करके कुछ स्टेप तक कंप्लीट किया था। इसके बाद अब हमें उसके आगे और कंप्लीट करना है। तो हम पढ़े थे इसमें इससे पहले तक अभी तक कि जो वर्क डन होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, कि जब भी हम मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट करना होता है तो हम जो वर्क डन निकालते हैं पहले बहुत ही स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए निकालते हैं, जिससे कि टार्क हमारा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, और तब हम वर्क डन डी डब्ल्यू निकाल लेंगे और टार्क भी कांस्टेंट बना रहेगा। तो इसीलिए हम क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन डी डब्ल्यू निकालें। पीछे भी इसको भी पढ़े हम लोग। अब क्या करना है, हमें टोटल वर्क डन निकालना है इन रोटेटिंग द डाइपोल। मान लिया इनिशियल एंगल थीटा नॉट टू फाइनल एंगल थीटा वन तक, तो अब टोटल वर्क डन इसके बाद हमें निकालना है। तो इसके बाद हम लिख रहे हैं दस टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम इनिशियल एंगल थीटा नॉट, इनिशियल क्या है, इनिशियल एंगल थीटा नॉट टू फाइनल एंगल थीटा वन। तो हमें कहाँ से कहाँ तक उस डाइपोल को घुमाना है, जो हमने फिगर बनाया था पिछले स्टेप में, थीटा नॉट से थीटा वन तक इसको हमें रोटेट करना है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या करना, यह हम इंटीग्रल साइन यूज करेंगे यहाँ पे, डी डब्ल्यू टाउ डी थीटा, तो यहाँ लिमिट लगा देंगे फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा वन, थीटा नॉट लोअर लिमिट, या इनिशियल एंगल थीटा वन फाइनल एंगल टाउ डी थीटा। अब अगर हम टाउ की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो हमें पता है टाउ इक्वल टू क्या होता है, एम बी साइन थीटा, तो ये हमने वैल्यू रख दिया एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, तो डब्ल्यू हो जाएगा, हम लिख दिए यहाँ पे, और एम बी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, तो ये क्या करेंगे, इसको इंटीग्रल के बाहर कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एम और बी को कांस्टेंट था तो बाहर कर दिया गया। अब साइन थीटा का क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, तो साइन थीटा का अगर हम इंटीग्रल करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है, माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस कॉस थीटा। और इस तरह से अभी हम क्या क्या करना, लिमिट रख दें फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा वन। अब माइनस को हम बाहर कर दे रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे थीटा है, तो माइनस एम बी, और क्या करें, इसकी वैल्यू रख दें यहाँ पे लिमिट की, तो माइनस को बाहर कर दें पहले, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा वन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस थीटा नॉट। इस तरह से हमारा ये स्टेप आया। इसके बाद हमें क्या करना है, इस माइनस का क्या करें, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा कितना आ जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एम बी, और इनिशियल एंगल आ जाएगा कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा वन। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हम डाइपोल को थीटा नॉट से थीटा वन तक घुमाने में वर्क डन निकाल रहे हैं। अब यही वर्क डन हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव नेचर का है, देयरफॉर टोटल वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इस टाइप, सिंस फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव नेचर, फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर, तो कंजर्वेटिव नेचर से क्या होगा, वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, सो वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल इनर्जी, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनर्जी में वोल्टन कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो W है क्या होगा, U इक्वल टू हो जाएगा एम बी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा वन। इस तरह से हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब हम इस एक्सप्रेशन की बात करेंगे, क्या पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होता है, उसके बाद फिर उसके रिस्पेक्ट में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होता है। उस फिगर में जो डाइपोल मोमेंट का अरेंजमेंट होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो अगर हम डाइपोल को, इसमें इधर नॉर्थ इधर साउथ पोल है, 90 डिग्री पर रख दें फील्ड के साथ, तो क्या होगा, इस समय पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और इसी के रिस्पेक्ट में फिर निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव या मिनिमम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कितना वैल्यू होगा, बाय एजम्पशन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो एट थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर इसे लेंगे 90 डिग्री लें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वहाँ पे जीरो रहेगा। तो अभी इसकी वैल्यू रख करके हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है और उसी के रिस्पेक्ट में फिर सॉल्व करेंगे। तो बाय एजम्पशन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो एट थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर यहाँ पर हम वैल्यू रखें तो यू बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे एम बी कॉस थीटा नॉट मतलब कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा 1। तो अगर इसको आप सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ से कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो माइनस एम बी कॉस थीटा 1। तो ये हमारी 90 डिग्री एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। तो जीरो की पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसके बाद हम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे कि कब पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का मिनिमम होगा जीरो के रिस्पेक्ट में और कब मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि मिनिमम कैसे होता है। तो अब यहाँ हम कंसिडर करेंगे इफ़ थीटा वन इक्वल टू जीरो डिग्री। तो अगर थीटा वन जीरो डिग्री ले लें तो यहाँ पे हमारा यू की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यू इक्वल टू माइनस एम बी कॉस जीरो। तो कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है, तो ये आ जाएगा माइनस एम बी, और ये है चूँकि जीरो से कम है इसलिए हम इसको यू मिनिमम कहेंगे कि मतलब जीरो से भी कम वैल्यू है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम इसका फिगर देख रहे हैं चाह रहे हैं तो कैसे फिगर बनेगा, जैसे ये हमारा हो गया फील्ड बी और जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा वो भी इधर इसका नॉर्थ पोल इधर इसका साउथ पोल, इस तरह से इस कंडीशन में है थीटा वन इक्वल टू जीरो डिग्री के लिए। तो जब इस कंडीशन में डाइपोल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा, उस डाइपोल का मिनिमम होगा और उसको हम कहेंगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। क्या कहा जाएगा इसको कि स्टेबल कंडीशन में है डाइपोल, तो इसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब हमेशा इसी स्टेट में रहना चाहता है, अगर इसको थोड़ा डिस्टर्ब करें फिर वापस इसी स्टेट में आ जाता है, इसीलिए इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी भी इसको कहा जाएगा। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी किस कंडीशन में होता है, जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। इसी तरह हम फिर क्या देखेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है या उसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए फिर क्या है, थीटा वन की वैल्यू रखेंगे। तो अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कि जो हमारा यू की वैल्यू है कितना है, यू इक्वल टू माइनस एम वी कॉस थीटा वन। तो यहाँ पे अब हम पुट करें, इफ़ हमारा पुट करें थीटा वन इक्वल टू 180 डिग्री तो यू कितना आ जाएगा, हम यहाँ से देख सकते हैं यू इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री माइनस वन, तो दोनों मिला के हो जाएगा प्लस
u इक्वल टू आ जाएगा प्लस एम बी, और ये हमारा जो u की वैल्यू है वो u मैक्सिमम कही जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम फिगर देखना चाहें यहाँ पे कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल जी है विथ रिस्पेक्ट टू जीरो, तो इसका ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें क्या है डाइपोल रखा गया है, तो 180 डिग्री एंगल कैसे बनेगा जब हमारा नॉर्थ पोल इधर होगा उस मैग्नेटिक डाइपोल का और साउथ पोल इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका हम थोड़ा सा अरेंजमेंट ये बना दिए, ये मैग्नेटिक नीडल या डाइपोल, और यहाँ पे ये अगर एंगल देखें तो दोनों के बीच 180 का एंगल है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में है और जो मैग्नेटिक नीडल का फील्ड है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ साइड से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इस तरह दोनों के बीच कितना एंगल है 180 डिग्री एंगल है, और ये कंडीशन को कहा क्या जाता है, इसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन में हमने फिगर दिखा दिया कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का फिगर कैसा होगा कि दोनों बीच 180 डिग्री एंगल बनना चाहिए। अब अनस्टेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर इसको हल्का सा भी डिस्टर्ब करें मैग्नेटिक नीडल को तो क्या है ये फिर से घूम करके ये पोजीशन चेंज कर देगा और स्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, अनस्टेबल में वापस घूम के नहीं आएगा, इसीलिए इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और इस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, इट गेन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह हमने देखा कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है और जीरो के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ये दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, उसके अकॉर्डिंग फिगर का अरेंजमेंट देखा। अब इसी पे हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।